डाउनलोड करें ट्रैवल इंडिया टीवी ऐप। आज इस राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार क्या काम कर रही है, यही यूपी बलिया से आकर के एक अशोक भगत नाम करके आदमी जो कपड़ा तपड़ा खोल करके घूम करके महिलाओं का शोषण काम करने में लगा हुआ है, महिला समूह को गुमराह कर यहां पर जात धर्म का जहर फैलाने में लगा हुआ है, ये आरएसएस के एक बहुत बड़े एजेंट के रूप में यहां पर काम कर रहे हैं। आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहिए। हम लोगों को जात धर्म का कभी भी किसी ने पाठ नहीं पढ़ाया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हमें यहां पर बांटने का तैयारी कर रहा है, आने वाला समय में आदिवासी को आदिवासी से लड़वा देगा, दलित को दलित से लड़वा देगा, अल्पसंख्यक को अल्पसंख्यक से लड़वा देगा, पिछड़ों को पिछड़ों से लड़वा देगा। भारतीय जनता पार्टी का लोग इस विधानसभा से विधायक है, सांसद है, पूछिए इन लोगों से कि सीएनटी एसपीटी कानून तुम लोग क्यों मिटाना चाहता था, गलत भूमि अधिग्रहण कानून क्यों बनाया, वन अधिकार कानून के माध्यम से जंगल में रहने का अधिकार हमारा क्यों छीना तुम लोगों ने। आज हम लोग का क्या समाज संस्कृति है, यहां के आदिवासियों का झारखंडियों का क्या संस्कृति है, समाज है। आज हम लोग कोई जंगल के ऊपर रहते हैं, कोई जंगल के नीचे रहते हैं, कोई नदी के किनारे झाड़ के किनारे हम लोग का घर द्वार है, समाज संस्कृति इन्हीं पहाड़ों पर है। आज हमारे इस राज्य के जल जंगल जमीन पर इनकी नजर है, वो इसलिए है कि उन जल जंगल जमीन और खेत खलियान में अनेकों खनिज संपदा हमारा इस राज्य में भरा पड़ा, और उसी खनिज संपदा को लूटने के लिए इन लोग नया नया कानून बना रहा है। आज वो लोग पैसा से भी ताकतवर है, पैसा के बल पर हर व्यवस्था को खरीदता है, पुलिस प्रशासन सरकार सभी चीजें खरीदता है, और आदमी तो हम लोग गरीब गुरुआ आदिवासी दलित पिछड़ा किसान मजदूर को तो ये लोग जानवर से भी बदतर समझता है। कैसे टिकेंगे, कैसे बचेगा? कल वो दिन बहुत जल्द आएगा इनके नियमों की वजह से, जिस खेत का मालिक हम हैं, जिस जंगल का मालिक हम हैं, आज उसी खेत खलियान में आने वाला समय में हम और हमारा बाल बच्चा लोग मजदूरी खटने का काम करेगा, ये मजबूरी पैदा करेगा। आज पूरे राज में जमाबंदी गैर मजरा जमीन का रसीद नहीं कट रहा, पूरे राज का लगभग 21 लाख से अधिक एकड़ जमीन इन लोगों ने लैंड बैंक में जमा कर दिया, जो हमारा दादा परदादा लोगों को पट्टा मिला हुआ था वो सब कैंसिल कर दिया इन लोगों ने। और आज आपके गुमला जिले में इसी जिला का अकेला लगभग 2 लाख एकड़ जमीन इन लोगों ने लैंड बैंक में जमा कर दिया है, और आने वाला समय सारा पट्टा रद्द होगा और वो सारा जमीन अपने व्यापारी साथियों को देने का काम करेगा। आज यहां पर रेलवे ट्रैक हम लोग देखते हैं, क्या चीज के लिए रेलवे लाइन बिछा था पहले? आदमी को ढोने के लिए नहीं, खनिज संपदा को ले जाने के लिए, खनिज संपदा को लूटने के लिए अंग्रेजों ने बनाया था। आज इन लोगों ने एक नया रास्ता बनाया जलमार्ग के माध्यम से, हमारे संथाल परगना में एक बंदरगाह बना है, अब उस बंदरगाह का उद्घाटन अभी कुछ दिन पहले देश का प्रधानमंत्री और हमारे इस राज्य के प्रवासी मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है, और पहले दिन क्या हुआ मालूम है? उस बंदरगाह से एक भी आदमी नहीं गया, उस बंदरगाह से गया तो यहां का खनिज संपदा गिट्टी के रूप में एक बड़ा सा जहाज को रवाना किया गया, और ये धीरे धीरे जलमार्ग के माध्यम से भी, ट्रेन के माध्यम से भी, हवाई मार्ग के माध्यम से भी ये लोग पूरा राज्य के खनिज संपदा को लूटेंगे, और हमें यहां पर उजड़ा हुआ राज्य के अंदर हमें मरने पर निवास करेंगे कि अभी हजारों साल तक कोयला यहां से निकाला जा सकता है, कोयला जलाने के लिए झारखंड के लोगों को नहीं मिलेगा फ्री में। ये लोग आजकल बांट रहा है गैस चूल्हा,
अभी फ्री में बांट रहा है, चुनाव है इसलिए, चुनाव के बाद कुछ फ्री नहीं मिलने वाला है। ये लोग व्यापारियों का जमात है, ये लोग किसान आदमी नहीं है, चासा बासा करने वाला आदमी नहीं है, खेती बाड़ी करने का दर्द इनको नहीं मालूम है। आज हमारा राज का खनिज संपदा, आज तो हमारा हालत ऐसा हो गया है जैसे रिजर्व बैंक का जो नोट छापने का मशीन है ना, उसी टाइप का हो गया। नोट तो मशीन में छपता है लेकिन नोट उस मशीन के पास नहीं रहता है, वो नोट निकल करके चला जाता है बाजार में, व्यापारियों के हाथ में, लोगों के हाथ में। और वही हाल हमारा खनिज संपदा को लेकर हो गया। खनिज संपदा तो निकलता है हमारे इस राज्य से, चाहे लोहा हो, यूरेनियम हो, बॉक्साइट हो, कोयला हो, अनेक खनिज संपदा निकलता है यहां का। कोयला से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब चकाचक रोशनी चमकता है, लेकिन हम अंधेरे में जीने पर मजबूर हैं। गैस चूल्हा, अभी चुनाव भर आपको ये होता है ना कि इस गरीब के सामने रोटी का टुकड़ा फेंक दो, भूखा क्या नहीं करेगा बेचारा, उस टुकड़ा को उठा के खा लेगा। और हम लोगों का सोचने का क्षमता भी बहुत कम है, अच्छा बुरा लोगों को नहीं पहचान पाते। ये व्यापारी लोग इतने चालाक चतुर हैं कि आने वाला समय में आपको पूरा का पूरा नंगा करके छोड़ेगा, घर द्वार लूट लेगा, भीख मांगने की स्थिति पर लाके खड़ा कर देगा। आप लोग नोटबंदी का हालत देख ही चुके हैं, नोटबंदी से घर द्वार में जितना पैसा था सब बैंक में रख लिया। अभी देश के प्रधानमंत्री यहां एक और योजना का उद्घाटन करके गए हैं, किसान मानधन योजना, व्यापारियों के लिए पेंशन योजना, और ऐसा ढेंडोरा पीटा, इतना बाजा गाजा के साथ उसका उद्घाटन किया कि मानो कल ही से किसान को पेंशन मिलने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो पेंशन आपको 60 साल का उम्र में मिलेगा, 40 साल तक आपको 200 रुपया जमा करना पड़ेगा, तब 60 साल का उम्र में आपको 3000 टका मिलेगा पेंशन के रूप में। और जो आज रुपया का हालत है, 60 साल के बाद वो 3000 रुपया का क्या वैल्यू होगा आप लोग अंदाजा लगाइए। 3000 रुपया में 1 किलो नमक भी बढ़िया वाला नहीं मिलेगा, आपको बता देते हैं 60 साल के बाद। अभी आवास योजना बांटने का बात बोलता है प्रधानमंत्री, आवास योजना हम दे रहे हैं, हमको बताइए कौन सा प्रधानमंत्री आवास बिना घूस का आपको मिलता है, बिना घूस का आवास मिलता है क्या, और बिना कर्जा का भी पूरा होता है क्या? आज ऐसा हो गया है कि आवास किसी तरह मिल भी गया तो उसको पूरा करने के लिए या तो गाय गोरु को बेचो या तो किसी से कर्जा लेके उसको पूरा करो। अगर उसको पूरा नहीं करोगे तो वीडियो केस कर देगा, फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहो, जितना का आवास नहीं उसे दूना आपको बेल लेने में लगेगा। ऐसा आवास किस बात का, और वो भी ऐसा आवास जो जेल का कोठरी भी उससे बढ़िया। इतना छोटा आवाज, चार को दीवार बना दिया और छत अपने से कर्जा लेके ढालो, और उसी में क्या बोलता है हम लोग गांव देहात में गोहाल, गाय गोरु रखने वाला, जिसमें गाय भी घुसा दो, बैल भी घुसा दो, भैंस भी घुसा दो, बकरी भी घुसा दो, सुअर भी घुसा दो, मुर्गी भी डाल दो, उसी तरीके का घर है। आप उस घर में कितना लोग रहेगा, माँ बाप, पति पत्नी, बेटा पुतो बेटी, सब एक कमरा में कैसे रहेगा? क्या हम लोग नमक का बोरा है क्या, एक के ऊपर आदमी रहेगा? इन बेईमानों ने हमें ठगने का काम किया, इन लोगों ने कमीशन लेकर के अपना जेब भरने का काम किया। आज इसीलिए हमने निर्णय लिया कि सरकार को बदलेंगे और ये जेल के कोठरी के बदले हम लोग ऐसा मकान देंगे जिस मकान में बिजली भी होगा, पंखा भी होगा, शौचालय भी होगा, माँ बाप बेटा बेटी के लिए अलग से कमरा होगा, 3 लाख रुपए का मकान हम लोग बनाएंगे। घूसखोरी तो चरम सीमा पर, और विकास की बात करते हैं, कौन सा विकास? आज आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, पारा टीचर, राजस्व विभाग के कर्मचारी, सभी लोग तो हड़ताल पर है, कौन इसका काम कर रहा है?
किसके माध्यम से काम हो रहा है, कितने दलाल इन लोगों ने फिट कर लिए। आज इन लोगों ने हमारे गांव देहात के महिला समूह को पैसे के लालच में अपना राजनीतिक हथियार बना रखा है। अभी जेएसएलपीएस के माध्यम से महिला समूह को, जो पहले बजट हुआ करता था लगभग 20-25 करोड़ रुपया के लगभग, अभी पता नहीं 200-250 करोड़ रुपया का उसका बजट हो गया। और क्यों हो गया है ये सरकार बता नहीं रही है। अपने सहूलियत के हिसाब से जहां जितना पैसा छींटना है और चुनाव जीतना है उसके माध्यम से, ये जेएसएलपीएस के माध्यम से, महिला समूह के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कराने में लगा। ये लोग लेने वाला लोग है, देने वाला नहीं है। और जैसे चुनाव खत्म होगा फिर ये मुफ्त सिलेंडर खत्म, अब आपको 1000 रुपए में भरवाना पड़ेगा। और आज के दिन में वृद्धा पेंशन कितना मिलता है, वृद्धा पेंशन कितना मिलता, 600 रुपया, वो भी 600 रुपया तो हम थे सरकार में तभी 600 कराए थे, उसके बाद 1 रुपया भी पेंशन नहीं बढ़ा। अब 600 रुपया पेंशन और 1000 रुपया का सिलेंडर भरेंगे, कल सिलेंडर खाएंगे कि हम दाल चावल खाएंगे, ये बताओ। आज वन अधिकार कानून में बदलाव हो गया, अब वन अधिकार में, वन जंगल में रहने के लिए अब अधिकार नहीं होगा आदिवासियों को, जंगल से लकड़ी लाने का अधिकार नहीं होगा। अब जंगल में भी आप प्राइवेट लोगों को पेड़ काटने और पेड़ लगाने का कानून बन रहा है। कल आपका सिलेंडर खत्म हो जाएगा। अच्छा हमको एक बात बताइए, ठीक है चाय बन जाएगा सिलेंडर में, दाल चावल भी बन जाएगा, कल चावल के लिए धान कौन चीज में उबालिएगा बोलो, कौन चीज में उबालिएगा, सिलेंडर में उबलेगा क्या धान को? और गांव का जो महुआ तहुआ सब उबालते हैं, और सब दुनिया हम लोग का घर पे काम होता है, काथा होता है, लेदरा उदरा साफ करते हैं, उबालते हैं, कौन चीज गैस चूल्हा में करेगा क्या? तब यही स्थिति, तब कल को अगर लकड़ी का जरूरत होगा तो उसी आदमी के पास जाना पड़ेगा और आपको खरीद के लाना पड़ेगा, एक लकड़ी चुन के भी नहीं ला सकते हैं। अगर जंगल की तरफ नजर उठा के भी आप देखिएगा तो ऐसा कानून बन रहा है कि वन पदाधिकारियों को, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे डीएफ हो, चाहे रेंजर हो, उन लोगों को गोली मार करके जान लेने का उसको पावर दिया जा रहा है। और ऐसा पावर कि कल किसी का जान भी लेगा तो उस आदि पदाधिकारी पर एक केस भी नहीं हो सकता है, ना कोर्ट कचहरी हो सकता है, ऐसा कानून बन रहा। तो हम आदिवासी जाएंगे कहां? सरकार को बदलेंगे और इस राज में एक भी आदमी को विस्थापित नहीं होने दिया जाएगा, ना ही बेरोजगार छोड़ा जाएगा। हमने तो पहले ही घोषणा किया है, सरकार बनते ही हम लोग इस राज में 5 लाख रोजगार देने का काम करेंगे, कोई भी बेरोजगार नौजवान नहीं रहेगा। आज की स्थिति ऐसा है कि बेरोजगारी के अभाव में नौजवान लोग आत्महत्या कर रहा है। ये लोग हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र पर इतना लगातार हमला कर रहा है, इतना हमला तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। आज इसलिए ये बाहर का दुश्मन, जो देश का दुश्मन है, उन लोगों से तो आप लड़ लीजिएगा, लेकिन घर के अंदर जो दुश्मन है उसको पहचानिए, क्योंकि घर का दुश्मन सबसे खतरनाक होता है। अगर उसको हम पहचान लिए फिर कोई दिक्कत नहीं। आज इसी तरीके से इन्हीं लुटेरों ने आज इस राज पर धन बल के दम पर विधायकों को खरीद कर सत्ता में काबिज होने का काम किया है और झारखंड विरोधी नीतियों को बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। अभी तो पूरे बदलाव यात्रा के माध्यम से पुलिस विभाग के एक वर्ग को लिए 13 महीना का वेतन देने का जो 5 साल से जुमला दे रहा था, हमने इतना बदलाव संदेश के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाया कि उस कुंभकर्ण का नींद अभी जगा है। लेकिन वो ऐसा फैसला कर दिया कि पुलिस विभाग का लोग ही बता पाएगा कि उनको मिला कि वो खोए कि वो पाए। अभी पुलिस सहकर्मी सब है, इन लोग कभी वही हालत, बरसात हो, धूप हो, गर्मी हो,
जंगल हो, पहाड़ हो, कहीं पर भी ला जाओ लाठी लेके दौड़ा दो, लेकिन देने के नाम पर इनके पास पैसे नहीं। और सही में आज इन लोगों ने इतना लूट मचा रखा है कि आज मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इसके ट्रेजरी में इस राज के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन हां, इनके पास पैसा है, ठेका टेंडर में कमीशन लेने का पैसा है, और ऐसा ऐसा योजना चलाते हैं कि इनकी योजनाएं चूहे खा जाते हैं। ये चूहा कौन है? ये चूहा सरकार में बैठा हुआ राज्य का मुख्यमंत्री है, जो छत्तीसगढ़ से आया है और हमारे अधिकारों को कुतर कुतर करके खत्म कर रहा है। अब समय आ गया, इस चूहे को चूहेदानी में डालो और छत्तीसगढ़ फेंक करके आओ, तभी ये राज बचेगा। अभी इधर हमारा बदलाव संदेश यात्रा निकल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई यूपी से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, दर्जनों नेता लोग आ करके अलग अलग जिला में भाषण दे रहा है, और इधर अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही पूरे राज का दौरा पर निकला है। आज हमारे इस दौरा से उनकी हालत स्पष्ट है। आज एक तरफ पूरा व्यापारियों की, लुटेरों की जमात है, तो दूसरे तरफ आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित, किसान, मजदूरों का जमात खड़ा है। अब ये देखना है कि व्यापारी लुटेरा जीतेगा कि ये किसान मजदूर जीतेगा। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।